कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कि जैसे आप फर्स्ट पॉइंट है कि हर एफए के अंदर हमारे पास कम से कम एक, सॉरी, एग्जैक्टली एक स्टार्टिंग स्टेट होनी चाहिए, एग्जैक्टली एक से कम भी नहीं, यानी कि कोई स्टार्टिंग स्टेट ना हो ऐसा नहीं हो सकता, और एक से ज्यादा स्टार्टिंग स्टेट्स भी नहीं हो सकते। और इसी के आगे उसने लिखा है कि देयर मे बी मल्टीपल और मे बी नो फाइनल स्टेट्स, ठीक है, फाइनल स्टेट नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। हमने कल भी एग्जांपल्स कुछ की थी जहां एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स थे, और हम आगे जाके ऐसी एग्जांपल्स करेंगे जहां कोई फाइनल स्टेट ना हो। उसने आगे बता भी दिया कि इन द लेटर केस द फाइनल ऑटोमेटा डस नॉट एक्सेप्ट एनी लैंग्वेज, ठीक है ना, अगर जिसकी फाइनल स्टेट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक वक्त में एक करेक्टर को रीड किया जाता है, हमने ये भी कल देख लिया। हर स्टेट की, एवरी स्टेट डिफाइंस अ ट्रांजिशन और एवरी करेक्टर इन द अल्फाबेट सेट और अल्टरनेटिवली। अगर आपके पास जितनी भी ट्रांजिशंस हैं उनके ऊपर जितने भी आपके पास करेक्टर्स मौजूद हैं उन तमाम की ट्रांजिशंस कंप्लीट करना लाजमी है, ठीक है, और जितने आपके पास करेक्टर्स हैं उतने ही आपके पास आउटगोइंग एजेस भी, आउटगोइंग ट्रांजिशंस भी होनी चाहिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये हमने कल किया, देखा, और आज मजीद इसको देखते हैं डिटेल में। यानी कि नेक्स्ट पेज पे देखें, वो बता रहे हैं आपके पास डुप्लीकेट एजेस भी नहीं होने चाहिए और कोई एज मिस भी नहीं होना चाहिए। और हम असल में एफए क्यों बनाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों बनाते हैं, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए होता है और वो उस लैंग्वेज को रिकग्नाइज कर रहा होता है। जैसे आप लोगों ने कल रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाए थे प्रैक्टिस में या क्लास में, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के थे, तो हम लोग ऑटोमेटा भी किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए बनाते हैं। यानी कि इट शुड एक्सेप्ट ऑल वैलिड वर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है, और जितने भी आपके जो है ना उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते वर्ड्स उनको ये रिजेक्ट करना चाहिए। हमने कल भी बात की थी, अगर आप लोग जो है ना वॉक करते करते फाइनल स्टेट पे आ जाते हो दैट मीन्स कि वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, और अगर आप फाइनल स्टेट पे जो है ना नहीं पहुंचते, या फाइनल स्टेट से पहले या फाइनल स्टेट के बाद कहीं पर आप पहुंच जाते हो तो वो वर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता, यानी कि वो वर्ड उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। बस इतनी सी फिलॉसफी है फाइनाइट ऑटोमेटा की। आज इसको जो है ना हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो तो इस तरह की तो हम लोग कैसे बना सकते हैं ऑटोमेटा। यानी कि एक एग्जांपल है, हमें उसने गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स दे दिए ए और बी, उसने बता दिया कि आपके पास स्टेट्स हैं लेट से एक्स वाई और जी, और उसने ये बता दिया। सर, जी, हमने ये एग्जांपल्स स्लाइड्स में ये भी लिखनी है, लिखी है एग्जांपल, अब ये लिखे हम। ये तो क्वेश्चन है ना। हाँ, इसको यस आप लोग बेशक लिखते जाओ क्योंकि आगे इसका सोल्यूशन आ जाएगा ना। मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो है ना इस तरह की सिचुएशन बताई गई हो, स्टेट्स कितनी है, अल्फाबेट्स कितने हैं और ट्रांजिशंस कितनी है, ये बताया गया हो, ठीक है, और इससे आपको बनाना पड़े फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये ज़्यादा आसान काम है। उसने क्या कहा है, स्टेट्स कितनी है, एक्स वाई जी, आप तीन स्टेट्स बना दोगे फौरन से, एक्स वाई जी, और ये भी बता दिया कि फाइनल कौन सी है और इनिशियल कौन सी है, एक्स इनिशियल है और जी फाइनल है, ये भी बता दिया। अब ये ट्रांजिशन सारी बता दी है। अब देखिएगा, आपके पास एक्स है एक स्टेट, और कैरेक्टर्स कितने हैं आपके पास, क्या ख्याल है, गिवन सेट ऑफ तो अल्फाबेट्स कितने, दो हैं ए और बी। यानी कि आपका काम है एक्स के ऊपर ए और बी को शो करना, फिर वाई के ऊपर भी ए और बी को शो करना, और जी के ऊपर भी ए और बी को शो करना, बस इतना सा काम है। वो क्या बताता है कि जब आप एक्स स्टेट पे हो और आप ए रीड करोगे तो आप जी पे चले जाओगे, और अगर आप एक्स पे हो और आप बी रीड करते हो तो वाई पे चले जाते हो, ये उसने बता दिया, ठीक है। अब इसको आप ऑटोमेटा में कैसे लिखते हो, डायरेक्ट डायग्राम बनाने से पहले आप एक छोटा सा जो है ना टेबल बनाते हो जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेबल, जो ट्रांजिशंस शो कर रहा होता है, जो ट्रांजिशंस शो करता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैंने दोनों आमने सामने रख दिए, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कि एट स्टेट एक्स
आप अगर एक्स पे हो, अगर आप ए रीड करते हो तो आप जी पे चले जाते हो. देखिएगा, अगर आप एक्स पे हो, आप अगर ए रीड करते हो तो आप जी पे चले जाते हो. और अगर आप सेकंड पॉइंट, अगर आप एक्स पे हो और आप बी रीड करते हो तो वाई पे चले जाते हो. अगर आप एक्स पे हो और रीडिंग बी तो आप चले गए हो वाई के ऊपर. जी जी नहीं समझ आ रही, प्लीज रिपीट कर दे. अच्छा ये राइट साइड पे ना आंसर है, इसको दो एक मिनट स्किप कर दें. ये लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है, तीन स्टेट्स हैं एक्स वाई जी, ठीक है, और अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, ए और बी. यस सर. ठीक है, अब वो बता रहे हैं आपको कि ना यार आपने ऑटोमेटा बनाना है, लेकिन ना ये उसकी ट्रांजिशन है. ये देखो वो क्या कहते हैं कि एक्स पे जब होते हो तो आप ए रीड कर सकते हो. अगर आप एक्स पे ए रीड करोगे तो इसके मुताबिक आपको जी पे जाना चाहिए. देखिए, अगर आप एक्स पे हो और आप रीड करते हो ए, तो आप कहाँ चले गए, जी पे. जी पे देखा, अगर आप एक्स पे हो ना तो इसका मतलब ये ओल्ड स्टेट है. बाय रीडिंग ए आप चले गए जी पे. और इसी तरह क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आप एक्स स्टेट पे हो और आप बी रीड करते हो तो आप वाई पे चले गए. अगर आप एक्स पे हो, बी रीड करते हो तो वाई पे चले गए. फिर उसने कहा कि अगर आप वाई पे हो और आप ए रीड करते हो, अगर आप वाई पे हो और ए रीड करते हो तो आप वाई पे चले जाओगे. और इसी में उसने आगे बताया कि एट स्टेट वाई रीडिंग बी, यानी कि ए रीड करो या बी रीड करो, आप वाई पे चले जाओगे. देखें टेबल की दूसरी रो, देखें वाई पे हो, ए रीड किया, वाई पे रहे, वाई पे हो, बी रीड किया और वाई पे ही रहे. ये इस पॉइंट के मुताबिक हमने इस टेबल को फिल कर दिया. लास्ट में देखें, अगर आप जी स्टेट पे हो, आप रीड करो ए या बी, तो आप चले जाओगे स्टेट जी पे. यानी कि जी पे रहते हुए ए भी रीड करो तो जी पे ही रह रहे हो, जी पे रहते हुए ए या बी रीड करो तो आप जी पे ही रह रहे हो. ये हमें इस क्वेश्चन में ट्रांजिशंस गिवन थी, हमने उसका बना लिया एक ट्रांजिशन टेबल. ट्रांजिशंस मेंशन थी कि आपके पास अगर स्टेट पे हो, ये रीड करोगे तो यहाँ आ जाओगे, ये रीड करोगे तो यहाँ आ जाओगे, ये सब गिवन था. तो आपने इसके लिए एक ट्रांजिशन टेबल बना दिया. अब आपका ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा काम. और एक चीज जो हमने स्टार्ट में मेंशन कर दी थी स्टेट्स के अंदर, कि एक्स इज एन इनिशियल स्टेट. क्योंकि एक्स एक इनिशियल स्टेट है तो आपने उसके साथ डैश लगा दिया, और Z क्योंकि फाइनल स्टेट है आपने उसके साथ प्लस का साइन लगा दिया. ठीक है, तो इसको जो है ना, इसका सोल्यूशन देखने के बजाय हम लोग ना इसका ऑटोमेटा बनाते हैं. मैं साइड खोलता हूँ, हम इसका ऑटोमेटा बनाते हैं. ठीक है सर, फाइनल के लिए माइनस का साइन है और इनिशियल के लिए प्लस का साइन है. माइनस होगा आपके इनिशियल के लिए, देखें एक्स इनिशियल है तो एक्स के साथ माइनस है, और जी फाइनल है तो फाइनल को आप प्लस से डिनोट कर सकते हो. माइनस फॉर द इनिशियल और प्लस फॉर द फाइनल स्टेट. ठीक हो गया. अब देखें उसने क्या बताया, स्टेट्स कितनी है, एक्स वाई और जी. हम फॉरन जो है ना बना, यहां आते हैं, ये तो पुराना बना हुआ है, इसको डिलीट करते हैं. कहा तीन स्टेट्स हैं तो हम फॉरन से तीन स्टेट्स बनाते हैं, एक दो और तीन. ठीक है, और उसके नाम है एक्स वाई और जी. ठीक है, अभी हमने जो नई चीज देखी है वो ये नई क्या, बल्कि कल डिस्कस भी की थी
कि अगर आपके पास आपने इनिशियल स्टेट शो करनी है ना, तो आप माइनस के साइन से शो कर सकते हो। माइनस का साइन ये बताएगा कि ये इनिशियल स्टेट है, और अगर आपने फाइनल स्टेट शो करनी है तो आप प्लस के साइन से भी कर सकते हो। आप लोगों को याद होगा दूसरा तरीका ये है कि अगर स्टेट में एरो आ रहा होगा तो वो इनिशियल है, और डबल सर्कल का मतलब था वो फाइनल है। तो आप उस तरह भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो। अच्छा, तीन स्टेट्स ही हमने फौरन से बना ली। अब हम लोग दोबारा अपने जो है ना आंसर में गए। हमने यहां देखा एक्स पे रहते हुए हमने ए और बी को शो करना है, वाई पे रहते हुए ए और बी को शो करना है, और जी पे रहते हुए ए और बी को शो करना है। देखिए, एक्स पे अगर आप ए रीड करोगे तो कहां जा रहे हो? एक्स पे अगर आपने ए रीड किया तो कहां जा रहे हो? जी पे, जेड पे जा रहे हैं। देखिए हाँ, ए रीड करते हुए, ठीक है। तो फौरन हम यहां आए, एक्स पे रहते हुए अगर हमने ए रीड किया तो हम जेड पे आ रहे हैं। क्लास, इस लाइन के बारे में क्या ख्याल है, इस ट्रांजिशन के बारे में क्या ख्याल है? एक्स पे ए रीड किया तो जी पे आ गए, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट में वो क्या कहते हैं? एक मिनट, नेक्स्ट में वो बोलते हैं कि अगर हम एक्स से रीड कर रहे हैं तो हम बी पे जाएंगे। एक्स पे रहते हुए हम लोग क्या रीड कर रहे हैं? बी, तो हम वाई पे जाएंगे। एक्स पे रहते हुए अगर हम बी रीड करेंगे तो हम वाई पे जा रहे हैं, ठीक हो गया। इस ट्रांजिशन में कोई कंफ्यूजन क्लास? नो सर। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ये आप देख सकते हो x के ऊपर a भी कंप्लीट हो गया, b भी कंप्लीट हो गया। y के लिए करते हैं, y पे कह रहे हैं यार आप चाहे a रीड करो या b रीड करो, आप y पे ही रहोगे। सेल्फ लूप होगा y पे, y के ऊपर एक लूप लग जाएगा कि चाहे आप a रीड करो चाहे आप b रीड करो, आप y पे रहोगे। और लास्ट वो कह रहा था, देख लेते हैं, कि अगर आप z पे हो a रीड करो तो z पे ही रहोगे, b रीड करो तो z पे ही रहोगे। तो z पे भी सेल्फ लूप है, चाहे a रीड करो चाहे b रीड करो, आप यहीं पर रहोगे। देखें, आप लोग देख सकते हो कि x के x से आउटगोइंग एजेस a और b के कंप्लीट हैं। इसी तरह y पे देखें कि क्या आउटगोइंग एजेस कंप्लीट हैं, और z पे भी चेक कर लें क्या आउटगोइंग एजेस कंप्लीट हैं। अगर कंप्लीट हैं तो फिर आप नेक्स्ट चीज देखो, क्या इस डायग्राम के अंदर इनिशियल स्टेट मौजूद है? और अगर मौजूद है तो फिर आप कह लोगे कि हाँ, ये आपका एक फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया, ये आपने एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया। क्या ख्याल है, अगर आपको इस तरह एजेस कंप्लीट होने का क्या मतलब है? आपके पास एजेस कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं, गिवन सेट, हाँ, इस केस में ए और बी, वो हर स्टेट के ऊपर ना नजर आने चाहिए। हर स्टेट पे नजर आने चाहिए ए और बी दोनों, हाँ, हर स्टेट के ऊपर, कहीं पर मिस नहीं होने चाहिए। तो फिर हम x से जब y पे जा रहे हैं, सिर्फ b है, ये एक स्टेट है ना, तो हर मतलब एक स्टेट है, इस पर a भी तो होना चाहिए ना। x पे वापस आओ, देखो x पे अगर a आएगा तो अलग ट्रांजिशन हो रही है। x से आउटगोइंग एज देखो, x से जिस तरह b आने पे एक एच निकल रहा है तो a आने पे भी एक एच निकल रहा है ना जी। तो ये हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन मौजूद है। अच्छा, इन केस कल में कंफ्यूज हुई थी, इन केस अगर हमारे पास x से z तक a ना होता,
और बस एक्स से वाई तक रहता, ठीक है, बस ये होता, तब फिर हमें ए लगाना पड़ता। आपका मतलब है कि ये लाइन ना होती। हाँ जी, अब नहीं है ना, अब देखें एक्स से वाई की ट्रांजेक्शन देखें ना, तो बस सिर्फ बी है ना। यानी कि एक लेटर ए उसके लिए ट्रांजिशन मिसिंग है जी यहाँ पे, फिर हाँ जी, मिसिंग है ना। ये ऑटोमेटा ही नहीं होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होगा, क्योंकि उसकी नहीं डेफिनेशन, होगा, हाँ उसकी डेफिनेशन में आता है कि उसके जो है ना ट्रांजिशंस पूरी होनी चाहिए। मिसिंग इन अ सेंस कि जेड भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्स और वाई ही है। जेड भी नहीं है। चलो यस, अब आपके अब पास ए देखो, ना। हाँ अब अभी भी देखो आपके पास गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, ए और बी ही हैं। एंड बी हाँ वाई पे कंप्लीट है कि क्या काम, नो। वाई पे देखो ना, अगर आप वाई पे हो ए आ जाए तो क्या होगा, अच्छा, वाई पे ए आ जाए तो ए है वाई पे ही लेफ्ट होंगे, ऊपर, वाई वाई पे ही पे होंगे, होंगे और बी आने पे तब तो भी भी हम वाई वाई पे पे ही ही हैं। होंगे, और एक्स पे देखो, हाँ एक्स पे हम ए पे नहीं होंगे ना, ए पे यानी नहीं कि होंगे, बी पे होंगे। बी आने पे आप वाई पे आ रहे हो बिल्कुल, लेकिन एक्स पे हो अगर ए आ जाए तो मिसिंग है ना, यस, तो ये ऑटोमेटा नहीं होगा फिर। यही मैं पूछ रही थी आपसे। ठीक है सर, ठीक हो गया, अब देखते हैं। तो कुछ इस किस्म का ऑटोमेटा बन जाएगा, ठीक है, और फर्दर क्योंकि ये स्लाइड्स हैं तो इसमें बहुत डिटेल में आगे इन्होंने बताया है कि ये ऑटोमेटा जहरी बात है कुछ वर्ड्स एक्सेप्ट करेगा कुछ वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बना दी, और अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी ऐसा वर्ड जो ए से शुरू नहीं होता, जो ए से शुरू नहीं होता, क्या ख्याल है वो एक्सेप्ट होगा? नहीं नहीं होगा एक्सेप्ट, क्योंकि इसकी फाइनल स्टेट जेड है, तो सिर्फ जो जी है उसके लिए ए अवेलेबल है। एक्स यानी से कि वाई जाएंगे तो हमारे पास ए नहीं है, और दूसरा ये कि वो हमारी फाइनल स्टेट भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा एक छोटी सी चीज और यहाँ पर आप लोग नोट कर लो, ये मतलब उस क्वेश्चन का ही ऑटोमेटा बन गया है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और, अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट हो, सेम ना हो, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स अगर आपके पास सिमिलर ना हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अब देखें आप इनिशियली अगर एक्स पे हो तो आपको कोई ना कोई करेक्टर चाहिए जी पे मूव करने के लिए, क्या ख्याल है इस एग्जाम्पल में, आपको यस सर, जी तक जाने के लिए कोई जो है ना करेक्टर लाजमी चाहिए, दैट मींस के विदाउट रीडिंग अ करेक्टर आप फाइनल स्टेट पे नहीं आ सकते। विदाउट रीडिंग एनी करेक्टर इस एग्जाम्पल में आप जी पे नहीं आ सकते, दैट इज द फाइनल स्टेट। इसका मतलब है कि ये नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस एग्जाम्पल में ये नल करेक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक और निशानी है कि अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये बेसिकली ये बताता है कि आपके जो है ना इस डायग्राम के अंदर नल एक्सेप्ट नहीं हो रहा। यानी कि इसके ऑपोजिट, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सिमिलर हो, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स एक ही हो, तो हम ये कहते हैं कि यहां पे नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट, यहां पे हो सकता है, नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगा, भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है। तो ये नोट कर लें कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब है कि नल स्ट्रिंग भी वहां पर एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर लें, आगे हमें काफी हेल्प करेगा। ये उन्होंने इसका एक्सप्रेशन बना दिया, ए इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक। मेरा ख्याल है ये हमारे लिए इतना मुश्किल अब नहीं होगा, ठीक है। और आगे इन्होंने फर्दर बताया सेकंड स्लाइड के ऊपर कि अगर आप स्टेट्स को नंबर नहीं भी देना चाहते तो भी काम चल सकता है, यानी कि द लेबल्स ऑफ द स्टेट्स आर नॉट नेसेसरी, इस तरह भी काम चल सकता है। और आप देख सकते हो इन्होंने डबल सर्कल से ये फाइनल स्टेट शो कर दिए,
और इनिशियल स्टेट को उन्होंने जो है ना उसकी तरफ एरो आ रहा है, तो उससे भी आप इनिशियल स्टेट को शो कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह सर एक सेकेंड, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट कल हमने जो क्वेश्चन किया था ना एग्जांपल, आपने उसका हमें वो नहीं कराया था रेगुलर एक्सप्रेशन, आपने कहा था कि ये डिफिकल्ट है, तो कल हम इस पे बात करेंगे, इस पे काफी बात करनी पड़ेगी। हाँ, दूसरे वाले के शायद नहीं बना था, ठीक है बना लेते हैं अभी, तो डायग्राम्स बनाते हैं ना, तो उस पर बात कर लेते हैं। यस सर, हम उसका नहीं, काफी मुश्किल था ना, तो आपने कहा था कि मुश्किल इन सेंस हुआ उसमें, और टाइम लगा, हमने ना सोचते हुए टाइम लगाना था कि अच्छा ये होगा, फिर ये होगा, फिर इसका एक्सप्रेशन आ रहा है, इसलिए मैंने कहा था हम कल तसल्ली से करेंगे, आज डायग्राम्स बनाते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे ना उस पर एक्सप्रेशन भी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर डायरेक्ट डिफरेंट दूसरे तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखेंगे भी इस तरह के क्वेश्चन है, स्टेट्स क्या है एक्स और वाई, वेयर एक्स इज बोथ एन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अल्फाबेट्स ए और बी हैं, स्टेट्स एक्स और वाई हैं, और उसने कहा एक्स जो है ना इनिशियल भी है और एक्स आपकी फाइनल भी है। तो हम फौरन अपने पास रजिस्टर पे आ गए और मैंने यहाँ पर कहा कि एक्स और वाई दो स्टेट्स हैं, और वो कह रहे हैं कि जो एक्स है वो इनिशियल भी है और एक्स आपकी फाइनल भी है, ठीक है। तो आप इसे कैसे कर दोगे कि आप नेगेटिव पॉजिटिव एक्स, इसका मतलब है कि एक्स एक ही टाइम पे इनिशियल भी है और एक्स एक ही टाइम पे फाइनल भी है, ठीक है, और दूसरी स्टेट आपके पास वाई है। और क्वेश्चन में क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि एट स्टेट एक्स रीडिंग ए और बी गो टू स्टेट वाई, देखिए ट्रांजिशन टेबल के अंदर एट स्टेट एक्स रीडिंग ए और बी गो टू स्टेट वाई, क्या ख्याल है, हमने इसका टेबल बना दिया पहली लाइन का, एक्स पे रहते हुए ए या बी रीड करो तो आप वाई पे जा रहे हो, तो एक्स पे रहते हुए ए या बी आए तो आप फाइनल पे जा रहे हो, वाई पे जा रहे हो सॉरी, ठीक है। और फिर वो क्या बताता है कि एट स्टेट वाई अगर आप वाई पे हो ए या बी रीड करो तो आप वापस एक्स पे आ जाओ, अगर आप वाई पे हो ए या बी रीड करो तो आप वापस एक्स पे आ जाओ, तो क्या ख्याल है इसका, ये ऑटोमेटा बन जाएगा, ए या बी आया तो वाई पे और ए या बी आया तो वापस एक्स पे, क्या ख्याल है, ये ऑटोमेटा बन सकता है इस क्वेश्चन का या इसमें कोई एरर है? सर इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, मतलब ए कॉमा बी है तो एक में ए होगा और एक में बी होगा, या मतलब ए भी आ सकता है या बी आ सकता है, दोनों में से, मतलब अगर आप एक्स पे हो अगर ए आता है या बी आता है तो आप वाई पे चले जाओगे, और उसके बाद दोबारा या ए या बी आता है तो वापस आप एक्स पे आ जाओगे, सर ये ठीक है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इस ट्रांजिशंस के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, और ये ठीक इसलिए भी जैसे आपने कहा कि गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए और बी, एक्स पे आप देखो क्या आपने ए और बी को यानी कि शो कर दिए एक्स के ऊपर, तो ये देखें क्या ख्याल है, एक्स से आउट गोइंग एजेस है ना ए के लिए भी और ए के लिए भी और बी के लिए भी, ए और बी दोनों के लिए, जी दोनों के लिए है, दोनों के लिए, ठीक है। अब देखें एक छोटी सी बात और, कि ये बेसिकली दो एजेस हैं ए कॉमा बी, क्योंकि इनकी डेस्टिनेशन सेम है तो हमने इसको एक एक एज के ऊपर शो कर दिया है, असल में ये ए और बी दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है, सेम इन द केस विद वाई।
अच्छा, क्या ख्याल है इसका एक्सप्रेशन? अगर सोचते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, तो एक्सप्रेशन में जाने से पहले अगर आप थोड़ा सोचो, ये क्या क्या जनरेट कर सकता है, क्या क्या जनरेट कर सकता है? तो सबसे पहले स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो सोचो, क्या स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो जनरेट कर सकता है ये ऑटोमेटा? यस सर, कैसे कर सकता है? क्योंकि यस सर कर सकता है, क्योंकि इसकी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट एक ही है, तो ये कर सकता है। दैट मीन्स कि ये नल स्ट्रिंग जनरेट करेगा, यस या नो? यस करेगा, ऑब्वियसली करेगा। यानी कि सबसे पहला जो ये वर्ड जनरेट कर सकता है वो नल स्ट्रिंग होगा, ये आपने लिख लिया अपने पास कॉमा। अब देखेंगे क्या ये कोई ऐसा वर्ड जनरेट कर सकता है जिसकी लेंथ वन हो। लेंथ वन वाला वर्ड क्या हो सकता है? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं? ए या बी होगा, या तो ए ए हो होगा या सकता है बी या तो होगा। बी हो सकता या है। ए या बी। तो क्या ये सिंगल ए या सिंगल बी एक्सेप्ट कर रहे? यस कर रहे सर, यस सर। सिंगल ए या सिंगल बी। एक्सेप्टिंग से क्या मुराद है? एक्सेप्टिंग से मुराद है कि यहाँ मतलब एक्स ए मतलब हम नहीं 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 कर सकता सर, बाकी सिंगल सब ए नहीं कर सकता, डबल ए डबल बी कर सकता है, हाँ। यानी देखो, अच्छा क्योंकि एक और फाइनल चीज, और ये यस आपने चीज नोट की है, एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैंने जो बात ही स्टार्ट की है, मैंने कहा मेरे लेंथ जीरो से देखो, लेंथ वन से देखो, ऐसे मूव करना ताकि आप सिस्टमेटिकली मूव करो, ताकि आप जो है ना वो एक्सप्रेशन करेक्ट बना लो। तो आप बाकी जो खामोश लोग बैठे हुए, क्या ख्याल है सिंगल ए या सिंगल बी? इन लोगों ने कहा कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई रीजन बता सकते हैं? सर। कैसे सिंगल ए और सिंगल बी से सर ये फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेगा। सिंगल ए या सिंगल बी आने से ये फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच रहा, बिकॉज वाई इज नॉट अ फाइनल स्टेट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ टू, अपने पास सर रफ में साइड पर लिख लो कि लेंथ टू वाले कौन कौन से स्ट्रिंग हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 2 की पावर 2 इक्वल्स टू सर फोर, फोर कॉम्बिनेशन फोर पॉसिबल है। कॉम्बिनेशन है। चारों कॉम्बिनेशन जरा सोचो इस पे, क्या एक्सेप्ट हो सकते हैं? यस सर हो यस सकते सर हैं, डबल ए एक्सेप्ट होगा, यस सर होगा, डबल ए एक्सेप्ट होगा, डबल बी भी एक्सेप्ट डबल होगा, बी बी भी, ए एक्सेप्ट भी और होगा, बी ए ए भी भी होगा, होंगे ना, नल भी होगा, हाँ। नल वाली तो बात हमने फाइव की, फाइव ये होंगे। देखो अभी तक जो है ना ये पांच, यानी कि अभी हमने बात की कि डबल लेंथ वाला कोई भी स्ट्रिंग होगा, कोई भी स्ट्रिंग होगा तो वो एक्सेप्ट होगा। इन्होंने कहा कि चारों के चारों एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। अब जरा देखो कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ थ्री, लेंथ थ्री वाले स्ट्रिंग्स क्या एक्सेप्ट हो रहे हैं? सर ये इवन एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ ऑड नहीं एक्सेप्ट कर सकता, इवन एक्सेप्ट करेगा, हाँ, यानी कि थ्री लेंथ वाला भी एक्सेप्ट। नहीं होगा, फोर लेंथ वाला एक्सेप्ट होगा, इसी तरह फिफ्थ लेंथ वाला भी नहीं एक्सेप्ट होगा, बट सिक्स वाला हो जाएगा, तो इट्स मीन कि ये अगर हम डिस्क्रिप्टिव पे करें तो ये इवन लेंथ एक्सेप्ट करेगा। और फिर हम इसका एक्सप्रेशन भी बनाएंगे। ये चीज आप लोगों को यस मैं इस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब भी ऑटोमेट, पहले देखो डायरेक्ट ऑटोमेटा नहीं बनाना, से जो गिवन है चीजें उसके हिसाब से पहले ऑटोमेटा बनाओ, और ऑटोमेटा पे फिर काम करने के बाद, डायरेक्ट नहीं, कि जो ऐसा नहीं कि पहली नजर में आपको लगे कि यार ये एक्सप्रेशन हो सकता है, वो नहीं लिख देना, क्योंकि पहली नजर में जो आपको लगेगा हो सकता है वो गलत हो। आप तसल्ली से उसके ऊपर स्ट्रिंग्स जनरेट करो, और सिस्टमेटिकली लेंथ जीरो, लेंथ वन, लेंथ टू, लेंथ थ्री, हो सकता है आप लोग जब तीन चार लेंथ वाले जो है ना वर्ड्स जनरेट करके देखो, और देखो यहाँ से जनरेट होते हैं कि नहीं होते, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सीक्वेंस नजर आ जाएगा। जैसे उन्होंने कहा इवन लेंथ वाला, तो ऐसा ही है, इसका आंसर इवन लेंथ वाला ही है। हम इसको आगे देखते हैं, इसने क्या इसको और एक्सप्लेन किया सर, इसका एक्सप्रेशन फिर ऐसे बनेगा, है। ए प्लस बी होल, फिर
फिर ए प्लस बी होल और फिर दोनों का होल स्टेरिक. दोनों का होल स्टेरिक ऐसा ही है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको तो कुछ ऐसा बन सकता है कि ए प्लस बी आगे ए प्लस बी, ठीक है, और इस सब के ऊपर टैरिक. टैरिक क्या ख्याल है? Yes, तो हाँ, sir, ये एक्सप्रेशन है, ये इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा. हम इसको आगे देखते हैं कि इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि अब देखें नल स्ट्रिंग कर रहा है, सिंगल लेंथ कर रहा है, डबल लेंथ, लेंथ थ्री, लेंथ फोर कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब यहाँ एक्सप्लेन हुआ है. तो हम इसके ऊपर आ गए कि बेसिकली ये इसका एक्सप्रेशन जो भी हमने लिखा है यही इसका एक्सप्रेशन बनता है. आप लोग शायद बात समझ आई हो कि ये मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो है ना एक्सप्रेशन इस तरह थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमेशा बनता है, ठीक है. तो यानी कि आपको सिचुएशन गिवन हो सकती है, उससे आपको ऑटोमेटा बनाना पड़ सकता है और फिर आपको कहे कि बताएं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये भी सवाल हो सकता है, ठीक है. आगे उन्होंने लिख दिया नोट के अंदर कि मूव सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सीक्वेंस या पैटर्न वाइल एसोसिएटिंग एनी लैंग्वेज विद फाइनाइट ऑटोमेटा. सिस्टमेटिकली मूव करें, ठीक है. अच्छा, अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि एफ ए गिवन एन एफ ए कैन बी आइडेंटिफाई द लैंग्वेज एक्सेप्टेड दैट फाइनाइट ऑटोमेटा. बिल्कुल हम कर सकते हैं, एक ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है हम ये बता सकते हैं. और अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन हो तो उससे हम लोग क्या ऑटोमेटा बना सकते हैं, तो इसका आंसर भी करेक्ट है. देखिए उसने बता दिया, एक क्वेश्चन है, कंसिडर अ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए और बी जो हमेशा बी से स्टार्ट करते हो, हमेशा बी से स्टार्ट करते हो. तो ये एक्सप्रेशन एक छोटा सा लिखा हुआ है, क्या आप लोग एग्री करते हो उस एक्सप्रेशन से? बी इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक, क्या आपके ख्याल से ये वो एक्सेप्ट करेगा तमाम के तमाम वो वर्ड्स जो बी से स्टार्ट होते हैं? यस yes, करेगा, ऑब्वियसली करेगा, इसका ऑटोमेटिक बना सकते हैं. बिल्कुल, अभी अपने पास हाँ चलो बनाओ, आप लोग बनाओ फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है. बी इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक. सर हाँ जी सर बना लिया है, जो है नल स्ट्रिंग जनरेट करेगा. अच्छा, क्या ये नल स्ट्रिंग जनरेट करेगा? दोबारा स्टेटमेंट देखें, ये कह रहे तमाम वो जो बी से स्टार्ट होते हैं, तो क्या ख्याल अगर हम बी को देखें तो स्टेरिक वाला है वो जीरो हो जाए तो बी तो आएगा. हाँ, ए प्लस बी होल स्टेरिक नल जनरेट कर सकता है, ए प्लस बी होल स्टेरिक, लेकिन वो किसके साथ कंकेटिनेट हो रहे हैं? बी के साथ, ठीक है. तो B के साथ कंकेटिनेट होके वो B जनरेट कर रहा है, तो एज अ होल ये एक्सप्रेशन नल जनरेट नहीं करेगा, नहीं करेगा.
अच्छा आप लोगों ने बना लिया, अब इसको देखते हैं हम लोग यहाँ जल्दी से बना के कि हमारे पास गुड हो गया। अब मुझे बताते रहना साथ साथ, ठीक है। लेट्स सपोज इसको नंबर देते हैं 1 और इसको नंबर देते हैं 2, ये ज़रा आसान लगता है, ठीक है। और ये इनिशियल है तो हम इसकी तरफ एक एरो ले जाते हैं ये बताने के लिए कि ये इनिशियल है, ठीक है। और अभी हम इसको देखते हैं 2 फाइनल बनता है कि नहीं बनता। एक्सप्रेशन था बी इंटू ए प्लस बी और स्टेरिक, यस सर, ठीक है। तो तमाम वो जो है ना वर्ड्स जो बी से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे छोटा वर्ड जो बी से जनरेट जो बी से स्टार्ट हो सकता है वो क्या होगा? अकेला बी। अकेला बी, अकेला बी, अकेला अगर बी आ जाए तो क्या ये एक्सेप्ट होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए अगर 2 हमारी फाइनल स्टेट हो तो, और हमारी इन इस केस पे 2 फाइनल स्टेट है तो बी एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसको इस तरह भी सोचना है कि अगर देखें बी आने पे आप जिस स्टेट पे जा रहे हो, क्या बी आने पे आप मतलब सिंगल बी जनरेट होने पे आपका ये वर्ड सिंगल बी क्या लैंग्वेज का हिस्सा है, तो आपको पता लगा हाँ बिल्कुल है, तो आप अब इसको क्या बना दो? फाइनल स्टेट। अब इसको बनाओ फाइनल स्टेट। अब यानी कि सिंगल बी आने पे फाइनल पे जा रहे हो, अब देख लो कि जो 1 और 2 आपकी स्टेट्स हैं इनके ऊपर गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स यानी कि ए और बी, इनकी ट्रांजिशंस कंप्लीट करो। सर कंप्लीट नहीं है तो इस वजह से मैंने एक्स के साथ जेड भी बनाया था ताकि ट्रांजिशन सर 2 के ऊपर आ जाएंगी ना, ए बी की कंडीशन आ जाएगी। हाँ, नहीं, जैसे अगर हम 2 के साथ ए और बी दोनों करेंगे ना सर, तो फिर हम वो तो ए और बी दोनों को एक्सेप्ट करेगा ना सर, वो फाइनल स्टेट पे रहेगा ना, फाइनल स्टेट पे रहेगा। हाँ जी, तो फिर वो दोनों ए और बी को एक्सेप्ट करेगा जो कि हमारे एक्सप्रेशन को नहीं था, ठीक है। नहीं, नहीं, फिर या तो देखो ये देखो जैसे हमजा ने एक बात की है, ये देखना जी, हमजा ने कहा है कि अगर आप 2 पे हो और अगर आप के पास आप 2 पे कब जाओगे? जब बी होगा शुरू में बी, अब ए भी तो हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये सर हम 2 के साथ ए लगा सकते हैं, ए बी भी लगा सकते हैं। मैंने ये पता क्या किया था, 1 मतलब एक्स है मेरा, ठीक है, एक्स से वाई तक, ठीक है, इसी तरह ए और बी लगाया था, फिर मैंने एक्स से जेड भी लिया। हाँ वो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, वो भी देख लेते हैं अभी। देखिए हाँ, अब ये देखो कि अगर आप 2 पे जाओगे, हमारे अभी सिचुएशन के मुताबिक आप 2 पे तभी जाओगे जब आप एक बार बी लेके आ चुके हो, जब 1 से 2 पे तभी जाओगे जब बी आ चुका है। क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली मेंशन था कि रेगुलर एक्सप्रेशन बी इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक, आपको शायद अब आइडिया हो गया हो कि ए प्लस बी होल स्टेरिक को हम कैसे शो करते हैं, सेल्फ लूप से। A plus B होल स्टेरिक को सेल्फ लूप से शो करता है। लेकिन अगर 1 पे आप हो और आपके पास A आ गया तो क्या वो एक्सेप्ट होना चाहिए? इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी ये जो है ना इनकम्प्लीट थी, ऑटोमेटा थी ही नहीं, अभी इसे अभी इनकम्प्लीट है, अब कंप्लीट कर रहे हैं। अब कंप्लीट हुई है, अभी भी शायद नहीं हुई, मतलब अब आप तो ये नहीं ना, ये B है, A आएगा तो फिर ये इधर आ जाएगा, लूप लगा दें और A और B लगा दें। अच्छा क्लास की जो डिस्कशन हो रही है इसकी समझ आ रही है कि नहीं? अगर आप इनिशियल स्टेट पे हो और आपके पास सिंगल A आ जाता है, दैट मींस के एक ऐसा वर्ड है जो A से स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इसने बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि जी B से स्टार्ट होने वाले, तो 3 शुड बी अ नॉन फाइनल स्टेट। अब अगर इनिशियली ए आ गया है, अब इसके बाद कुछ भी आता रहे क्योंकि वो ए से बिगन कर चुका है, तो इसके बाद कुछ भी आए तो वो जो वर्ड है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर आप 3 पे हो, अब आपका काम है कि 3 के ऊपर ए और बी को कंप्लीट करना। अगर आप 3 लूप लगा देंगे हम, अगर हाँ आपका ए आए या इसके बाद जितने मर्जी बी आए,
वो कभी एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो हमेशा नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में रहेंगे। तो हमने थ्री को एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट बना दिया, जो कभी आपका ना फाइनल स्टेट खुद बन सकता है ना आपको फाइनल स्टेट की तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि अगर थ्री फाइनल की तरफ कहीं चला गया तो इसका मतलब ये होगा कि थ्री से अगर आप कहीं फाइनल पे कभी चले गए, थ्री पे कब आओगे, जब शुरू में ए आएगा। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक शुरू में ए आना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग इस पे सेल्फ लूप लगा देंगे। आप देखो जरा, वन के वन से ए और बी निकल रहे हैं क्या? यस सर, अब ये कंप्लीट ऑटोमेटा है। और स्टेट टू और स्टेट थ्री पे भी आप देख सकते हो इसमें से ए और बी, ए एंड बी बोथ निकल रहे हैं, तो ये एक ऑटोमेटा कंसिडर किया जाएगा। yes. इसको देख लें अच्छे तरीके से, ड्रॉ कर लें, कोई चीज मिसिंग हो तो पूछ लें। ये कुछ इस तरह का ऑटोमेटा आपका बन गया, ठीक है। अच्छा, क्या बनाएं इसके बाद, मैं आपको कौन से क्वेश्चंस दूं? चलिए दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। अच्छा, यहां मैंने लिखे इंटेंशनली डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो हम लोग अब नॉर्मल बुक्स के अंदर, जो आपकी नई बुक्स हैं उसके अंदर हम लोग जब एफए की बात करते हैं तो हम बेसिकली डीएफए की भी बात कर रहे होते हैं, एक ही बात है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इससे मुराद ये बेसिकली के जो है ना, आपके पास आप डिटरमाइन कर सकते हो। आप इसी अगर डायग्राम के अंदर देखो, आप मेरा ख्याल है देख के बता सकते हो कि अगर आप वन के ऊपर हो और बी आया तो आप कहाँ जाओगे, व्हाट वुड बी द आउटपुट, या आप कौन सी स्टेट के अंदर होगे। अगर आप वन पे हो और अगर ए आ जाता है तो आप किस स्टेट में जाओगे, क्या आपको ये डायग्राम बताती है, शो करती है कि आप किस स्टेट में होगे? यस सर, कर रही है ना। अगर स्टेट नंबर टू पे हो और अगर ए आ जाता है तो क्या आप ये बात फाइंड आउट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि टू पे रहते हुए अगर ए आए तो आप कहाँ पे होगे? यस, हम टू पे ही रहेंगे। हम टू पे ही रहेंगे और थ्री के साथ भी यही केस है। यस, सिमिलरली। यानी कि आप डिटरमाइन कर पा रहे हो, आप फाइंड आउट कर पा रहे हो कि अगर जो है ना आपके पास ये इनपुट हो तो ये आपके पास जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हो इस जगह पे आप होगे, मशीन इस टाइम इस स्टेट में होगी, आप डिटरमाइन कर सकते हो, इसलिए इसको डीएफए भी कहते हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं एक एक करके, और जो है ना देखते हैं कि क्या बताता है ये। सबसे पहली एग्जांपल है आपके पास, वो कह रहे एक डीएफए जो है ना बनाए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए कॉमा बी, जो एक्सेप्ट करे सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स ए और बी के, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग के साथ मतलब वो तमाम के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो ए और बी के बन सकते हैं, उसके लिए वो डीएफए बनाए। तो क्या ख्याल है आपका, कैसे बन सकते हैं? इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लें और क्या आपके जहन में आइडिया आता है? नल स्ट्रिंग भी जनरेट करें, तमाम के तमाम, हाँ सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए ए और बी के जितने भी पॉसिबल है, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। तो दो चीजें बताएं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा और ऑटोमेटा आपके ख्याल से क्या बन सकता है। सर, इसका ए प्लस बी होल स्टेरिक होगा। ए प्लस बी होल स्टेरिक होगा, बिल्कुल ठीक है। A plus B होल स्टेरिक ऑटोमेटा में इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी। क्यों? क्योंकि नल इसने एक्सेप्ट करना है, ये नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे। दो बातें हो गई, A plus B होल स्टेरिक इन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि
ये लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स. और इसने ये भी कह दिया नल स्ट्रिंग के साथ साथ, तो नल भी एक कॉम्बिनेशन है ना, एक पॉसिबिलिटी है. ए प्लस बी इसमें जीरो जीरो है. तो जैसे इन्होंने कहा कि इसको मैं मिटाता हूँ, ए प्लस बी होल स्टेरिक, तो क्या ख्याल है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है और ये आपकी इनिशियल स्टेट है, और आपने जैसे कहा ये नल स्ट्रिंग भी जनरेट कर रहे हैं, तो ये आपकी फाइनल स्टेट भी हो जाएगी. अगर ये मुझे लगता है कि ये एक ही स्टेट रहेगी और इसी पे सेल्फ लूप लगेगा ए एंड बी का. अगर ए आएगा तो कहां, क्या अकेला ए एक्सेप्ट होना चाहिए? यस, अकेला ए एक्सेप्ट होना चाहिए और ये इनिशियल और फाइनल है, तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही स्टेट होगी और सेल्फ लूप होगा. आपका मतलब है कि ए आएगा तो इसी पे रहेगा? यस, इसी पे रहना चाहिए इसको. बी आएगा तो क्या सिंगल बी एक्सेप्ट होगा? यस, सिंगल बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए. फिर एक्सेप्टिंग से मुराद के फाइनल स्टेट पे चला जाएगा? हाँ जी, चला जाएगा सर. अगर हम इसको ऐसे लिखें, क्या आप लोगों के ख्याल से ये ठीक है? मुझे तो लगता है ये ठीक है. कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे? क्योंकि सर देखिए ना, अगर ए एक बार भी आता है तो भी वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे रहेगा, दो बार भी आता है ए भी आता है तो भी यही रहेगा. क्या ख्याल है, ये ए डबल बी जनरेट कर सकते हैं? ए डबल बी यस कर सकते हैं सर, डेफिनेटली कर सकते हैं. यस सर, कर सकते हैं. डबल बी यस कर सकते हैं. तो हम लोग उसकी तरफ नहीं जा रहे कि वो जो लिखा हुआ था कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को जनरेट कर सकता है सर? कर सकते हैं बिल्कुल. तो ये इसलिए करेक्ट होगा बिल्कुल, ये इसका ऑटोमेटा यही बनेगा. और एक्सप्रेशन जैसे उन्होंने स्टार्ट में बता दिया था, एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी होल स्टेरिक, ए प्लस बी होल स्टेरिक. नेक्स्ट पे चलते हैं. एक क्लास हो रही होती है ना तब सब समझ में आ जाता है, लेकिन क्लास के बाद नहीं समझ आता, मतलब खुद का किया अभी समझ नहीं आता कि ये कैसे किया था. ये हो जाता है थोड़ा सा, प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी ना फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी चीजें. वो कह रहे डीएफए बनाए जो एक्सेप्ट करे लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर दिस दैट हैव एटलीस्ट वन ए और वन बी. इसमें एक ए या एक बी जरूर आता हो, बेशक एक एक ही सही, लेकिन एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट मीन्स मैनी टाइम्स भी पॉसिबल है, लेकिन कम अज कम एक ए या एक बी भी, या एक ए या एक बी एटलीस्ट जरूर वहां पे जनरेट होना चाहिए. मैं बताती हूँ इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी होल स्टेरिक ए, फिर ए प्लस बी होल स्टेरिक बी, फिर ए प्लस बी होल स्टेरिक. या तो ए पहले आ सकते हैं तो बी, फिर प्लस ए प्लस बी होल स्टेरिक बी, ए प्लस बी होल स्टेरिक ए, फिर ए प्लस बी होल स्टेरिक. एक मिनट, इतना लंबा एक्सप्रेशन सर, मतलब मैंने आपको उस टाइम बताया कि दो हो सकती हैं पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप हमें क्या पता है एटलीस्ट में ए पहले आया बी पहले आया, दोनों. चलो ये इस पे बात कर लेते हैं अभी. जी जी बताएं सर. ए प्लस बी होल स्टैटिक प्लस आएगा, फिर उसके बाद ए प्लस बी पे स्टैटिक आएगा. नहीं नहीं, प्लस नहीं आ सकता, ए प्लस बी होल स्टैटिक ए, फिर ए प्लस बी होल स्टैटिक बी, और फिर ए प्लस बी होल स्टैटिक. एक मिनट जरा देखिए, एटलीस्ट ए भी आएगा बी भी. ये देखिए हमजा ने जो बात कही है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए प्लस बी और स्टेर की जगह में प्लस लिख देता हूँ, अगर मतलब पावर में अगर प्लस है, ये समझे पावर में,
अगर ए प्लस बी सर लिख कर है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा ये एड्रेस बार में, क्योंकि पीडीएफ में नहीं लिख सकते एड्रेस बार को। एक मिनट, एक सेकंड, इसमें पेन नहीं होता यहाँ पे, नहीं। अच्छा अच्छा इसको स्पेन ज़ूम कर लो। हाँ ये भी अच्छा आइडिया, क्योंकि मैं ज़ूम कर रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट ज़ूम हो रहा है। वो खुद ही कर लेना जिसको। नहीं मैंने ज़ूम की है, मेरे पास स्क्रीन रुक गई एक्चुअली। अच्छा चलो, जब तक आपकी स्क्रीन आती है तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें कि वो कह रहे हैं कि इसमें ना ऑटोमेटा में असल चीज़ है ना वो क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। जैसे इन्होंने कहा ये चीज़ें कन्फ्यूजन आती है कि हमें जो है ना शायद ये भी करना हो, शायद ये भी करना हो। तो जो स्टेटमेंट ने इसका तरीका ये है कि जो सबसे पहले स्टेटमेंट से डायरेक्ट समझ आ रहा है ना, इनिशियली जो समझ आ रहा है पहले ज़रा उसको मैप करके देखो, और उसके बाद स्टेटमेंट को दोबारा रीड करके कंफर्म करो, या अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो देख लो। देखो वो क्या कह रहा है कि ऐसा आपने ऑटोमेटा बनाना है कि जो कम से कम ए या बी ज़रूर एक्सेप्ट करता हो, या अगर अकेला ए आए क्या ख्याल है वो जो है एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट ए एंड बी दोनों एक मिनट, सर हो जाएगा क्योंकि और लिखा हुआ है, मतलब या जी सर एक दफा ए आए और एक दफा बी आए तो प्लस ऑपरेटर से होगा। क्वेश्चन नहीं श्योर, अच्छा इस वजह से मैं कह रही हूँ हम आपका वेट करते हैं, आप दोबारा रीजॉइन करो, तब तक हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। शुरू थोड़ी देर में रीजॉइन करते हैं। अच्छा जब तक वो वापस आती हैं, एक और चीज आपको शायद आइडिया हो गया हो कि कभी कभी ऐसा है कि हम लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल लें, मतलब कि ना क्वेश्चन देख के एक्सप्रेशन बनाना आसान हो शायद, लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि शायद उसके लिए ऑटोमेटा बनाना ज़रा आसान हो। मतलब अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं ना कभी, अगर कभी आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि इसका एक्सप्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप अगर कन्फ्यूजन है तो छोड़ दो, पहले ऑटोमेटा बना के देख लो। आप उसका ऑटोमेटा पहले बना के देखो, और ऑटोमेटा बन गया तो एक्सप्रेशन निकल आएगा, ठीक है? तो आपके पास बेसिकली अब एक से ज़्यादा रास्ते आ गए अपने आंसर को कन्फर्म करने के, कि ठीक है एक्सप्रेशन नहीं हमें समझ आ रहा या कोई कन्फ्यूजन है तो चलो ठीक है, ये जो है ना हम इसका ऑटोमेटा बना के देखते हैं। तो अब हम लोग पहले इसके ऑटोमेटा पे आ गए। मुंतहा आ गए वापस आप? नो सर अभी नहीं आई वो। चलो वेट कर लेते हैं एक मिनट, बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो अभी मेरे ख्याल है हमारा चौथा पांचवा ऑटोमेटा ये, ठीक है ये तो कंप्लीट होने चाहिए। सो तो नहीं गई, अच्छा मेरा ख्याल है आ गई है। तो अभी पे नहीं शो हो रही मेरी स्क्रीन, आप एक बार ट्राई करें कि आप लीव करके दोबारा स्क्रीन शो कराएं। मैंने लीव किया तो ये क्लास धर्म अपनी स्क्रीन को एक बार बंद करके फिर ऑन करें। स्क्रीन शो हो रही है, ये मसला कहीं और है क्योंकि अच्छा अब शो हो गई है, बस ठीक है हो गई है। अच्छा इसमें देखिए वो बता रहे दैट हैव एट लीस्ट वन ए और दैट हैव एट लीस्ट वन बी, ये मतलब कि जो लाइन इसने लिखी है हमें ये क्या बता रहा है कि कम से कम एक ए या कम से कम एक बी लाजमी वहां पर जनरेट। Yes. या ए के या एक बी लास्टमी जनरेट होता हो। अब देखें दोबारा वो जो मैं आपको पहले प्रैक्टिस कर रहा था, क्या यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जीरो हो क्या जनरेट हो सकता है?
नहीं सर, प्लस ऑपरेटर में नल जीरो जीरो आता ही नहीं है सर, नहीं हो सकता, यानी कि नल ये जनरेट नहीं कर सकता, नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पर एक और बात, क्योंकि नल एक्सेप्ट नहीं हो रहा, दैट मींस के द स्टार्टिंग स्टेट वुड नॉट आल्सो बी अ फाइनल स्टेट। ये बात आप लोग साथ नोट कर लो कि ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपको आपके आंसर की तरफ लेके जाएंगी। तो आपने ये करें, जब नल एक्सेप्ट नहीं हो रहा दैट मींस के स्टार्टिंग और इनिशियल, सॉरी इनिशियल और फाइनल जो है ना वो सेम नहीं है। अच्छा वही मेरा दोबारा वही सवाल है, क्या सिंगल ए एक्सेप्ट होगा? यस यस सर। ठीक है, तो हम लोग वापस आए, हमने डायग्राम बनाई और हमने कहा कि लेट सपोज ये इनिशियल स्टेट है और मैंने कहा कि अगर अकेला ए आ जाए तो हमने कहा कि वो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो क्या ख्याल है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? कि अगर अकेला ए आ रहा है तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। यस सर। मैं कहता हूं नहीं, अगर अकेला बी आए तो क्या ऐसा होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए? यस होना चाहिए जी सर, एटलीस्ट बी। यस सर होना चाहिए। ये तो चाहे ए आ जाए कॉमा चाहे बी आ जाए तो वो चला जाएगा फाइनल स्टेट में, वो आ जाएगा फाइनल स्टेट में। दोबारा अगर मैं क्वेश्चन ओपन करता हूं, ये जो मैं लाइन हाईलाइट कर रहा हूं इसको देखें, क्या इसको देख के अब आपके पास कोई सॉल्यूशन जेन में आया दैट हैव एट लीस्ट वन ए और वन बी? ये लाइन रीड करके क्या आपके जेन में कोई आइडिया है कि यहां पर और क्या किया जा सकता है? क्या मतलब? देखिए चलो इसको नाम दे देते हैं, अगर ये पहली स्टेट है, ये दूसरी है, ठीक है? क्या पहली स्टेट के ऊपर ए और बी की ट्रांजिशंस कंप्लीट हुई हैं? यस सर हो गया, अब टू पे हम इसके सेल्फ लूप लगा के ट्रांजिशन कंप्लीट कर देंगे। क्या सेल्फ लूप इसका आंसर होगा? मतलब सोचो जरा, इस तरह अगर मैं यहां लूप लगाता हूं ए का या बी? सर हो सकते है, हो सकते हो सकता है मेरे ख्याल में जी। क्या ये वो तमाम कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकता है जिसमें कम से कम एक ए या एक बी जरूर आता हो? यस सर कर सकते है। सर एक चीज नहीं मुझे क्लियर हो रही, एट लीस्ट एक ए आता एक बी आता ठीक है, लेकिन आएगा तो स्टार्टिंग में बस एक ए या एक बी आता हो? आ तो ये स्टार्टिंग में रहा है ना, उसने तो ऐसी कोई कंडीशन लगाया नहीं कि स्टार्टिंग में आना चाहिए। ले आप अगर देखें तो ये ए या बी दोनों ठीक है, कोई भी एक आ जाए आएगा तो वो स्टार्टिंग में, क्यों? हो सकता है ए और बी जो है वो मिड में आ जाए। लेकिन ये देखो स्टार्टिंग में ना, इसके बाद जो जनरेट होगा वो क्या होगा, वो भी ए या बी ही होगा ना? अगर इसके सर ये तो फिर कॉन्सेप्ट खराब करने वाली बात हुई ना। नहीं 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 बिल्कुल खराब नहीं करो, तो मतलब देखें आपने उस लेक्चर में बोला था ना कि अगर स्टार्टिंग में तो फिर स्टार्टिंग में आएगा, एंडिंग में तो एंडिंग में आएगा, अगर मेंशनड हो, ये बात है ना, अगर मेंशनड हो ठीक है। तो फिर इसमें तो देखें ना ये तो स्टार्टिंग में ही आएगा, लेकिन हमें तो स्टार्टिंग का मेंशन ही नहीं है कि स्टार्टिंग में आना चाहिए एंड में आना चाहिए। देखो जब हाँ ये इसका आंसर है कि जब मेंशनड ना हो ना तो आपने इस तरफ नहीं जाना कि स्टार्टिंग या एंडिंग, फिर आपने इस तरफ जाना कि यार जो चीज बता रहा है, जो क्वेश्चन में बता रहा है कि दैट हैव एट लीस्ट वन ए और वन बी, तो ये इसका ऑटोमेटा बने, ऐसा DFA बनाओ, ऐसा ऑटोमेटिक।
ठीक है सर, आप समझ आ गई है मुझे, क्लियर हो गया। अब देखें कभी भी ये फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा विदाउट जनरेटिंग अ सिंगल ए और अ सिंगल बी। हाँ जब एटलीस्ट की बात होगी तो नेचुरल सी बात है कि इससे ज्यादा की भी बात हो रही है, नेचुरल सी बात है इससे ज्यादा की भी बात है, तो फिर हम लोग जितने भी और हमें चाहिए वो हम इस पे रह के जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ये बनेगा। तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ए होल ए बी स्टैटिक प्लस बी होल ए प्लस बी स्टैटिक होगा। सर फिर स्टैटिक आ गया। देखो मेरी बात, हाँ ये देखो सर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है इसका, ऑटोमेटिक आ गया। हाँ अब देखो अगर शुरू में ए आ जाए या बी आ जाए एक्सेप्ट हो जाएगा? यस सर होगा। तो लिखो एक मिनट जरा ब्रैकेट में ए प्लस बी, लिख लिया। अच्छा ए प्लस बी, इसके बाद क्या आ सकता है? कुछ भी, इसके बाद कुछ भी आ सकता है ना? जी। तो कुछ भी को हम कैसे शो करते हैं? ए प्लस बी होल स्टैटिक। हाँ तो ए प्लस बी होल स्टैटिक से पहले क्या आ गया? ए प्लस बी। जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे भी एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। हाँ मतलब एक्सप्रेशन तो डिफरेंट अंदाज से लिखे जा सकते हैं। अब यानी कि इसका yes. अब जो मैंने ये बोला है इसकी जगह आप सिर्फ ये लिख दो जो मैंने पहले बोला था, ए प्लस बी होल पावर में प्लस, ए प्लस बी होल पावर में प्लस, तो वो भी जी। क्या ख्याल है आप लोगों का, ये ठीक होगा कि नहीं? मेरे सोए नल नहीं जनरेट करेगा बाकी सब करेगा स्टार्टिंग। यस सर ये ठीक होगा क्योंकि प्लस में नल नहीं होगा बाकी सब होगा। यहाँ एक और छोटी सी बात कि एक से ज्यादा करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। सर जो मैं एक्सप्रेशन बता रही हूँ वो करेक्ट नहीं है। एक मिनट सर एक बार लिख के